दोस्तों प्रेस कीजिए इस रेड बटन को और क्लिक कीजिए इस बेल को फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग टू माय लवली फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों टुडे इज आई थिंक 31 दिसंबर हो गया है। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली टू कटरा एंड हमने जो टिकट्स है वो रेड बस से बुकिंग करी थी और हमें लगभग 950 के आसपास एक टिकट पड़ी है और काफ़ी अच्छी बस है ये। मेरे जस्ट आप देख सकते हैं पीछे बस है ये जिसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ठंड की बात करूँ तो ज़बरदस्त ठंड है। आई डोंट नो कि हम किस जगह रुके हैं। बस अभी एक ढाबे पे लगा रखी है गाड़ी। बाकी ज़्यादा बात तो मैं नहीं कर सकता, बाकी सुबह ही करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी भूख लग रही है तो कुछ खाने का मन कर रहा है एंड देखते हैं सुबह पे क्या होता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे के आसपास और अभी यहाँ से जो कटरा है वो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। रात को मतलब काफ़ी थकावट थी तो सारे सो गए थे, मैं भी सो गया था। मैं भी जस्ट उठाऊँ 8 बजे के आसपास। बस सफर तो बस सफर ही हो रहा है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है 15 किलोमीटर की, यानी कि आधे घंटे की बात और है, आधा घंटा या 40 मिनट। लेट्स सी, चलिए फिर आगे चलते हैं। होटल में आपसे फिर बात करता हूँ। सो राइट नाउ वी आर एट कटरा और लगभग हमें यहाँ तक आने में 13 घंटे लगे हैं। बस ड्राइवर बहुत ही अच्छे थे, भूपेंद्र नाम था उनका, काफ़ी बातचीत हुई उनसे। वहीं दिल्ली में ही रहते हैं वो, हालांकि बिलोंग हरियाणा से करते थे। अच्छा लगता है ना, बोर हो जाते हैं बस में बैठे बैठे, तो थोड़ा टाइम पास कर लिया आगे जाके। एंड बस अब हम अपने होटल जा रहे हैं यहाँ से और ये कटरा है पूरा। ये दोस्त सारे के सारे और ये सारा कटरा है। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, सारे होटल हैं। चल भाई चल। सो जैसा कि आप सबने देखा, अभी जस्ट हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे या कह सकते हैं लंच कर रहे थे क्योंकि टाइम अभी लगभग हो रहा है 1 बजे के आसपास। और हम सभी ने ब्रेकफास्ट या लंच कर लिया है, एक ही साथ हुआ ब्रेकफास्ट और लंच। एंड अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, चढ़ाई हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एंट्री है और हमने जो पासेज लेने होते हैं एंट्री के लिए वो ले लिए हैं सबने, और सबको इंडिविजुअली लेने होते हैं। ये नहीं कि एक बंदा जाके सबके लिए है, ऐसा नहीं है। वहाँ बाकायदा फ़ोटो खींचती है, देन आफ्टर आपको ये जो पास है प्रोवाइड किया जाता है। सो अभी मार्केट के रास्ते से हम जा रहे हैं जस्ट, तो देखते हैं कैसे रहते हैं। और सारा मार्केट है आसपास पूरा, आपको दिख रहा होगा इस साइड भी। चलते हैं फिर आगे देखते हैं।
और अगर वेदर की बात करूँ तो वेदर बिल्कुल नॉर्मल है जैसा दिल्ली में है अभी, बिल्कुल भी ठंडी लग रही है। हम में से मतलब हम काफ़ी ज़्यादा कपड़े लेके आए हुए थे, जैकेट लाए हुए थे हैवी, बट लगता नहीं है कि यहाँ जरूरत पड़ेगी। बाकी लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अभी की बात करूँ वेदर की तो लगभग बिल्कुल नॉर्मल है। अरे लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ है। सो ये है श्री माता वैष्णो देवी का एक नया रास्ता लिखा हुआ है, न्यू ट्रैक वाया लाइक काराकोट मार्ग। तो आपकी बार हम इसी मार्ग से जा रहे हैं। ये नया रास्ता बनाया गया है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। क्या हुआ इसमें? ये न्यू रास्ता कटा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से, एंड हम इसी पे जा रहे हैं आज। जय माता दी, करो जय वाली दे। कहाँ से आए हो आप? पंजाब। दर्शन करने स्पेशली? हाँ, मत्था टेकने हर साल आते हैं नए साल। वेरी गुड। टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे के आसपास और हमें लगभग 2 घंटे हो गए राकेश। हाँ, 2 घंटे हो गए हैं चलते चलते और पैरों की बैंड बज गई है। कैसा लग रहा है राकेश? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, मज़ा आ रहा है। लेकिन पैरों की बैंड बज गई है बहुत बुरे तरीके से। एक्चुअली हमने, जैसा कि मैंने बताया था, हमने नया रास्ता चूज़ कर लिया। हाँ। और ये सारा का सारा यू नो अपवर्ड में है, एक स्लोप के ऊपर है अपवर्ड में। और राकेश बैंड बज गई, हालत ख़राब है। एक्चुअली इस रोड पे मुझे एक जो मेन प्रॉब्लम लगी है वो ये है कि यहाँ पे ना जो लोग हैं वो कम है राकेश, है ना? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली एक उससे भी फ़र्क पड़ता है, जब ज़्यादा सारे लोग होते हैं तो थोड़ा एक एनर्जेटिक रहते हैं, थोड़ी एनर्जी रहती है, तो आपस में यू नो ये तो है, है ना राकेश? फ़र्क पड़े ना उससे भी। बिल्कुल। अगर ये हम उसी पुराने रास्ते से तय करते तो मे भी शायद अभी तक हम कर लेते थे। हाँ। या आसपास होते, 1 किलोमीटर हमारा बस था बस, और अभी भी लगभग हमारे कम से कम 5-6 किलोमीटर रह रहे हैं। हाँ, 6 किलोमीटर होपफुली, या हमें ऐसा लगता है कि हम लगभग 6 बजे के आसपास या 5:30 के आसपास पहुँच जाएंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेट। एंड लेट्स सी, आप सबके लिए एक सजेशन है, अगर आप सब आ रहे हैं नए रास्ते से तो नए रास्ता इग्नोर करिए, पुराना ही रास्ता लीजिए, क्योंकि थोड़ा वो एनर्जेटिक रहोगे आप, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रिटर्न में बेस्ट है। हाँ, रिटर्न के लिए ये रास्ता बेस्ट है क्योंकि सारा का सारा यू नो एक स्लोप के अंदर है, लेकिन जाने के लिए आप पुराना रास्ता ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी श्रद्धा है।
राइट नाउ वी आर एट कटरा। बहुत टाइम लग गया, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे के आसपास। एंड आप देख सकते हैं कि रात में कितना ही खूबसूरत है ये माता रानी का दरबार, बहुत ही खूबसूरत है। सो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं पहले नहाने, वहाँ पे नहा के फिर हम प्रसाद लेंगे, फिर हम अपना सामान लॉकर में जमा कराएंगे, देन आफ्टर हम दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन की भी अच्छी खासी लाइन है। अच्छा अभी तो आरती हो रही है ना, तो फिर खुले ही नहीं होंगे ढंग से, है ना भाई, इसलिए भीड़ होगी। हमारे टाइम तक सही हो जाएगा, है ना। ठंड ज़्यादा है भाई, ऐसा है एक बार जाओ नीचे उल्टा आ जाओ, मैं इतने है ना। आ गई तो है, इधर ही तो है, नहाने का दर्शन के पास ही है। आप देख सकते हैं दर्शन की लाइन कितनी लंबी है, अभी एक्चुअली अभी आरती चल रही है तो दर्शन के लिए अभी रोका हुआ है, इस वजह से लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी है और इसलिए हमें भी टाइम लगेगा। फिलहाल अभी तो हम नहाने जा रहे हैं। वो देख रहा है मैंने, उसके उस साइड है, ये लड़कियों का उधर है। और ये देख सकते हैं आप, ये दर्शन की लाइन है मेरे सामने जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये स्नान घर है जहाँ पर सब लोग आके नहाते हैं, फिर साफ कपड़े पहनते हैं, देन आपके फिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो देख सकते हैं। सो नाउ वी आर रेडी, सारे के सारे नहा लिए एंड हाथों में ग्लव्स डाल रखे हैं, हाथ ये वाला जो हाथ है पूरा सुन बैठा हुआ है और
बस अब सारा जो हमारा सामान है उसे सबमिट करेंगे, देन वी विल गो फॉर दर्शन। सो चलिए चलते हैं। सो फाइनली टाइम हो रहा है लगभग 1 बजे के आसपास और हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत भीड़ थी, नहीं दिखा पाया, एंड अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। ठंड की बात करूं, शक्ल देख के पता लग रहा होगा कितनी ठंड है, हाथों में ग्लव्स हैं, मज़ा आ रहा है। सो चलिए चलते हैं भैरव बाबा के दरबार। और एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप नए रास्ते से आते हैं वेल एंड गुड, थोड़ा सा ऐसे ही है वो, एक बार बस ऐसे है फिर ऐसे है तिरछा, लेकिन उसमें आने का एक फ़ायदा है कि आपको सारी सुविधा लाइक ठंडा वाटर, गर्म वाटर, कॉफ़ी, खाना, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है, इवन जो टॉयलेट है काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। सो देख लीजिए जो रास्ता पसंद हो वो यूज़ करिए। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दरबार। एक्चुअली बोल नहीं पा रहा हूँ, ठंड ज़्यादा है तो थोड़ी सी सांस यू नो अपडन हो रही है, और मैं अभी आ गया हूँ घोड़ के बीच। ये घोड़े यहाँ से जाते हैं भैरव दरबार, तो नहीं चल सकते तो ले लो, मेरे ख्याल से 400-500, बट एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कितना लेते हैं, तो चलिए चलते हैं।